अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे प्यार प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यार प्यारे बहन भाइयों, आप जा कहीं रहें, जिस मुल्क में रहें, जिस जगह रहें, जिस घर में रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। तो प्यार प्यारे व्यूअर्स, जी हाँ, आपको एक प्लेट नज़र आ रही है पड़ी हुई, तो आप कहेंगे ये क्या है, इसका दीदार मैं करवाती हूँ आपको। तो ये देखें जी, सब्ज़ी वाले राइस हैं, मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, तो मैंने कहा चले भाई आपके साथ भी शेयर करूँ कि वीडियो का आगाज़ करूँ। तो ये देखें जी, कितने प्यारी लुक है, कितने प्यारे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खिले हुए, बहुत ये अच्छे पके हुए हैं, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो अभी खाती हूँ उसको मैं, तो बहुत ही लजीज़ हैं, शक्ल से लग रहे हैं लेकिन चखे तो नहीं मैंने अभी, अभी अभी वो देख गई थी, तो मैंने कहा चले भाई आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। तो ये है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपनी हफ्ज़ ईमान में रखे। कह रहे हैं तूफ़ान बस आने वाला है, या कराची से इतने दूर रह गया, इतने दूर रह गया है, लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है। कभी मौसम बिल्कुल शाम की तरह हो जाता है, ऐसा लगता है शाम छा गई है, कभी कहते हैं कभी ऐसा हो जाता है कि धूप तेज़ निकल आती है, तो आँख मचोरी इसी तरह मौसम की जारी है। तो हम तो अंदर बैठे हुए, हमें क्या मौसम से, तो लेकिन ये कि दरवाज़ा खोल के देख लेती हूँ, जब कमरे में अंधेरा आ जाता है तो पता चल जाता है कि मौसम ऐसा हो रहा है। तो आपने रहना मेरे साथ साथ, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। व्यूअर्स, कराची में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और बादल छा गए हैं, बस बारिश हो, तूफ़ान वगैरह ना आए, बस बारिश हो के रहमत की, अल्लाह ताला बारिश दे, बस यही है। तो ये देखें जी मौसम की सूरत हाल, बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है बाहर की सूरत हाल, बहुत ही प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं वो आ रही है, समंदरी हवाएं। तो मैंने कहा चले भाई आपको भी मैं दिखाऊं कि ये मौसम हो रहा है बाहर का, और बारिश हो तो रहमत की हो। तो अब बंद कर देती हूँ दरवाज़ा, ये ना हो कि कोई मेरे गले ही पड़ जाए, कि कोई भी कैमरा बंद कर एक ही कर रही हैं। तो ये है, और ये देखें जी सिंक पे कितनी धूल जम गई है, अभी मैंने इसको धोया था, और लेकिन ये हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। अब ये है कि मैं कहते हैं आपके साथ शेयर करूं, बताऊं आपको, तो बिल्लो बाजी बारिश होएगी तो नाएगी देवी जी। हाँ, जब बारिश होगी तो मैं ज़रूर ज़रूर बारिश में नहाऊंगी, अभी नहीं, जब आसिफ आएंगे और उसके उनके साथ अबाया पहन के बाहर जाऊंगी और फिर एंजॉय करूंगी। लेकिन आसिफ को मैंने बोला निकल आए आप, हवाएँ शुरू हो गई हैं ठंडी चलना, और आप नदी की तरफ से आते तो निकल आएँ, तो कोई जवाब नहीं दिया मेरे मैसेज का। अभी उन्होंने कोई मेरे हाथ गिले नहीं। तो प्यार प्यारे व्यूअर्स, ये आसिफ आ चुके हैं, और कमरे में अंधेरा है क्योंकि इन्होंने लाइट बंद की हुई है कि लाइट खर्च ना हो मेरी ना, ये देखे आते ही लाइट बंद कर दे। तो ये खैर वैसे भी अंधेरा ही नज़र आ रहा है, और ये मैं हंडिया बनाने लगी हूँ, अपने अमेरिकन किचन में जा रही हूँ। तो ये क्या सूरत हाल है मौसम की? नहीं, रास्ते में जब आप आए तो आप तो कह रहे हैं बारिश हो रही है ना कहीं कहीं, हाँ कह रहे, पता नहीं कौन से इलाके में बारिश हो रही है कुछ, लेकिन हमारे इलाके में तो कोई वैसे बारिश नहीं हुई। तो बस ये है कि मौसम ऐसे बारिश वाला बना हुआ लेकिन हो नहीं रही, आंधी तो कोई नहीं आई इधर, मुझे तो कोई इधर, अच्छा उधर आई है आंधी, नहीं मुझे तो कोई नहीं लगी। हाँ गुड़िया भी कह रही थी आई है मेरी बहन ना, गुड़िया कह रही है मैं क्या छत पे है ना तुम लोग, तो इस वजह से आई है, लेकिन हमारे तो कोई नहीं है। हाँ मिट्टी तो हो रही है लेकिन मुझे हवा नहीं अंदर आई कोई, या मेरे अंदर गर्मी बहुत ही भर गई है भाई, गर्मी मेरा रह के कोई हवा के कोई मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन ठंडक हवा में, अब जो हवा चल रही है ना उसमें तपिश नहीं है, उसमें उसमें हाँ चल तो रही है, लेकिन ये है कि अब इसमें ठंडक है, जैसे समंदरी हवाएं नहीं होती ठंडी ठंडी, तो वो ले अदरक और लहसुन भी ले आओ, और ये बना रही हूँ, ये हंडिया बनाने लगी हूँ, बना के आ रही हूँ, ये मैं कलेजी बना रही हूँ जी, हाँ ये देखें जी कलेजी बना रही हूँ मैं, ये धो के अभी रखी है मैंने, तो ये कलेजी है, तो मैंने कहा चलें भाई ये इसको निचोड़ने के लिए रख दिया, अच्छी तरह इसका पानी अच्छी तरह इसको कंगाल लिया है, तो ये कलेजी है। तो ये देखें जी
तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं क्या पका रही हूं क्या नहीं पका रही हूं। तो मैं ये इंतज़ार कर रही थी कि आसिफ आए, और मैंने समझी बारिश अभी हो जाएगी और ना बाहर ना घूमने जाएंगे एंजॉयमेंट करेंगे, पर नहीं बारिश हुई नहीं। चले खैर, जब होगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या भाई वीवर्स, ये देखें जी मैंने मसाला भून के उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कलेजी डाली और अब इसको भून रही हूँ। भून 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 के फिर जब इसको बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगी और मसाले में और एक जान हो जाएगी और मसाला और ये अलग हो जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा तो ये पक जाएगी। तो मैंने कहा चले भाई आपके साथ ये भी शेयर करूँ और आपको दिखाऊँ कि मैं क्या बना रही हूँ आज, वो तो आपको पता चल ही गया। तो प्यारे व्यूअर्स, आपसे ये बात कहनी थी कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे वॉश टाइम दें। थंबनेल अक्सर लगे होते हैं कि मुझे वॉश टाइम कैसे मिला। अरे भाई कैसे मिला भाई, हमें भी बताओ वॉश टाइम कैसे मिला। तो चलें भाई आप भी मुझे वॉश टाइम दें। वॉश टाइम ऐसे मिला कि आप लोग वीडियो देखेंगे तो वॉश टाइम मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं भी आज थंबनेल यही लगाऊंगी कि मुझे वॉश टाइम कैसे मिला। जी हाँ, मुझे वॉश टाइम मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यार प्यारे बहन भाइयों ने दिया। जी हाँ, और आप मुझे देंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे वॉच टाइम देंगे और बहुत ही जल्दी मेरा चैनल मोनो भी हो जाएगा। अब मैं सर पे सवार हो गई आके। देखें जी ये बंदा घर पे मौजूद है लेकिन वीडियो नहीं बनवा रहा और दरवाज़ा खोल के खड़े हुए हैं और आज बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं। मौसम दिखाओ, ये देखें ये मौसम भी देख लें लोग कैसे कैसी आ गया। हाँ देखें, नज़र आ रही है। हाँ आप बता देना बोल के पीछे बादल खराब हुए नजर नहीं आ रहा कैमरे में। कितनी आवाज़ आ रही है? शायद मौसम हुआ है मगर पीछा सारा मौसम हुआ है। हाँ देखिए बारिश जैसे बहुत तेज लगता है आएगी तो बरसे ही, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा प्यारे व्यूअर्स। मैंने बड़ा एंजॉय करना है बारिश। मैं इतनी दिनों से गर्मी में भून रही हूँ भुने हुए दाने की तरह, पट्टी में ना दाने भूनते हैं ऐसे मुझे वो ना भून रही हूँ मैं दानों की तरह ना, जिस तरह पंजाब में जाते थे ना यहाँ पे एक अम्मा दाने भूनती थी वो उसका तरीके यूज करके मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो बस बहुत वेट किया बारिश का, अफसोस बारिश नहीं हुई और आप नहीं देख सके मुझे एंजॉय करता हुआ तो बारिश में। तो लगता है मेरी हंडी तैयार हो चुकी है। तो ये देखते हैं भाई, इसका घूंघट उठा लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें निखार आया है। जी हाँ, ये मेरी हो चुकी है कलेजी तैयार। ओहो मेरी कलेजी ने ये जी ये देखें जी हो चुकी है तैयार और अब इस पर आ जाएगा ऑयल। तो आप देखिएगा इसकी क्या लुक आती है। बस थोड़ा सा मेरा ख्याल इसको और ही इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूँ, भून लूँ इसका पानी थोड़ा सा और खुश कर लूँ, क्योंकि ये खुश्क अच्छी लगती है पानी इसमें वो तो अच्छा नहीं लगता। हम लोग को इतना दो ही अफराद है, कोई ज़्यादा तो नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये है फाइनल लुक और ये हो चुकी है मेरी क्रीमी क्रीमी सी कलेजी तैयार। जो हमारी शुएब बहनें कहती है ना कि ये हमारी क्रीमी क्रीमी, तो मेरी भी क्रीमी क्रीम नहीं डाली मैंने, वैसे ही मेरी अल्लाह की तरफ से क्रीमी तैयार हो गई है। तो ये जी ये देखिए कितनी प्यारी लुक है इसकी। और आपने बस यही मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और आगे भी शेयर किया करें ताकि मुझे व्यूज़ अच्छे आएँ और मेरा चैनल जल्द ही मोनो हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।